आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये होल्स्टीन गायों में जो है गर्मी में बहुत ही हांफने की बीमारी लग जाती है। अगर ये पहले से बीमार रह चुके हैं या इसमें ब्लड प्रोटोज वन है या इनको फूड एंड माउथ डिजीज हो गई या कोई भी डिजीज हो गई है तो उसके बाद ये बहुत हांफते हैं। इनका दूध भी कम हो जाता है, दूध आधा हो जाता है, जुगाली भी नहीं करते और खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं। जब तक आपका पशु बैठ जुगाली नहीं कर रहा, बैठ नहीं रहा, समझ लीजिए वो जो है वो परेशानी में है। ऐसे में जो प्रेग्नेंट पशु है उनमें अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इसका बेस्ट इलाज है कि आप इसको खुले में रखें, चारों तरफ से हवा आए और इसके ऊपर पानी डालें। जब तक पानी डालें जब तक के वो जो है, ये होल्स्टीन के और जर्सी के बारे में बताता हूँ, विशेष रूप है ज़्यादा दूध देने वाली होल्स्टीन, जब तक वो जुगाली ना करने लगे, कोई एंटीबायोटिक ना लगाएं। अभी आप जो भी दवाई देना चाहते हैं कोई इंजेक्शन ना लगाएं, ओरली आप ब्रूटोन दे सकते हैं। ब्रूटोन जो है वो ईस्ट है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्रूटोन दीजिए, ईस्ट की दो गोली दीजिए रोज, बायोटोन दे दीजिए या इकोडास दे दीजिए, पर कृपा करके कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन मत लगाइए। इनमें जो है वो टेम्परेचर 103 104 रहता है, वो इनका नॉर्मल टेम्परेचर है। जो आपकी गिरी है, साहिवाल है, इसमें तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, पर विदेशी गाय में क्योंकि इनके पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है इसलिए तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने से इनका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। यदि वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये जो है प्रेग्नेंट भी नहीं रहेगी और इसमें यही करना भी बेकार है। ऐसे जानवरों को अक्सर आता है साहब मेरी गाय रिपीट कर रहे हैं, अब 40 डिग्री पे आप यही कराएंगे तो रिपीट करेगी उसका बीज मर जाता है, 40 डिग्री पे बीज मर जाता है। तो ऐसे में जब आप AI भी कराते हैं तो उसको शाम को कराइए, उसको काफ़ी मतलब पानी डालिए उस पर पहले, और जब उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तभी आप उसकी AI कराएं, और 6 दिन तक बहुत ज़रूरी है। गांव वाला तो बहुत होशियार होता है, वो दाना ही नहीं देता है, 4-5 दिन जानवर को दाना नहीं देता है। दाना आपको देना रात में दीजिए, 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक दे दीजिए, और अगर आप दिन में दाना देंगे तो आपको कंसेप्शन नहीं होगा। तो इसमें मैं एक बात और जोड़ दूँ कि इसमें लिवामिसॉल का एक इंजेक्शन आता है, अगर आपका पशु बहुत हांफता है तो आप उसको 10 ml लिवामिसॉल सबकट 3 दिन दीजिए, और फिर 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर लिवामिसॉल सबकट दे दीजिए। लिवामिसॉल पोटेशियम आयोडाइड 5 ग्राम दे सकते हैं आप, उससे भी हांफना कम हो जाता है। और इस चक्कर में मत रहिएगा कि आप 104 बुखार है, 103 बुखार है और उसे एंटीबायोटिक लगा दिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ब्याने वाले पशुओं में ये भी होता है कि उसमें डॉक्टर साहब लोग या बहुत से पशुपालक जो हैं वो ठंडा टीका प्रोजेस्टेरोन लगा देते हैं, उससे आपका और ज़्यादा नाश होगा, उसको कृपा करके ना लगाएं, उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है और अबॉर्शन और होता है। आपको अबॉर्शन रोकने के लिए एक तो उसको ठंडा करके रखना है, दूसरी बात विटामिन ADE बायमिनरल या और बहुत से आते हैं उसमें, उनको 4-5 दिन दिए, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो इन विटामिन को रोज़ रोज़ नहीं दिया जाता, 4-5 दिन 15 दिन में दे दीजिए, फिर दे दिए 4-5 दिन, इसका टीका भी आता है। मैंने ये देखा है कि जो 3-4 महीने के अबॉर्शन हो जाते हैं उनको विटामिन देने में और इकोटास और ईस्ट देने से उनका अबॉर्शन रुक जाता है, ये इससे बड़ी निराशा मिलती है। कल ही मेरे पास टेलीफोन आया था, साहब मेरी गाय 14 लीटर दूध देती थी, साहब उसमें वो तोड़ा देने लगी, फिर साहब वो खून देने लगी और साहब वो अबॉर्ट कर गई, वो इंसेमिनेटर ने उसमें जो है वो ड्यूराप्रोजिनॉल लगा दिया। ड्यूराप्रोजिनॉल लगाने के 3 नुकसान है, एक तो नुकसान ये है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जानवर की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, दूसरी बात प्रेगनेंसी में वैसे ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन आप बढ़ाएंगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। दूसरा नुकसान उसका यह है कि उसका जो दूध पिएगी लेडीज़ उनकी माहवारी जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी, तो ये इससे बहुत बड़ा खतरा है। देखिए जो देसी गाय होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद दूध नहीं देती, पर ये गाय जो है प्रेग्नेंट होने के बाद दूध देती है, और अगर आपने उसमें साथ साथ ड्यूराप्रोजिनॉन भी लगा दिया तो और दिक्कत है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाएगा तो दूध आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपका कि गाय भैंस ब्याने वाली है और आपने उसमें ड्यूराप्रोजिनॉन लगा दिया तो ब्याने के बाद वो दूध बहुत कम देगी।
फिर आप लाख कोशिश करिए, कुछ नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो दूध को रोकता है। तो ये मैंने प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताया, हाँपने के बारे में बताया, और आपको ये बताया कि कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाना है। 103 टेम्परेचर पर कोई एंटीबायोटिक नहीं लाना। आप पानी डालिए उसके सिर पे, और जब तक पानी डालते रहिए जब तक है वो जो है जुगाली करना शुरू न कर दे, और दाना जो है रात में दीजिए। और जब आप यही करवा रहे हैं तब उसे दाना एक दो दिन कम दीजिए, रात में दीजिए। तो इससे खुद ही आदमी जो है अपने लिए इल्लत पैदा कर लेता है कि साहब ये रिपीट ब्रीडिंग उसकी नहीं हो रही है, आप कर रहे हो उसमें रिपीट ब्रीडिंग। और दूसरी बात यह है कि किसी के बहकाए में मत आइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इंजेक्शन मत लगाइए, कोई वैक्सीनेशन मत करिए, कोई डीवर्मिंग मत करिए। ये नहीं कि साहब वो वैक्सीनेशन भी कर दिया और AI भी कर दी। तो संदेश यही है कि इस 40 डिग्री में ज़्यादा आशा मत बनाइए कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। जैसे कुतिया का टाइम होता है कार्तिक में, ऐसे ही गाय भैंसों का भी टाइम होता है। जो बनाती गाय है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी फरवरी तक काफ़ी कंसेप्शन होता है इसमें। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, उनको आपने ढंग से नहीं रखा है तो भी उनमें कंसेप्शन नहीं होगा। तो ये जो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, ये मैन मेड प्रॉब्लम है। जो फार्मर्स जो हैं जानते हैं इसको, जैसे पंजाब के फार्मर जानते हैं, तो वो अपनी गायों को या तो जनवरी फरवरी मार्च में कराते हैं या उधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो यही दो सीज़न होते हैं इनके। और देसी गाय का जो सीज़न है वो आपके फागुन में होता है, होली के करीब होता है। होली के बाद से जब तक बरसात हो रही है तब तक खूब ज़्यादा वो करते हैं। तो मैंने ये बहुत से विशेष इसलिए बताए कि काफ़ी फोन आते हैं कि साहब अबॉर्शन हो गया और साहब मैं क्या करूँगा, अबॉर्शन ना हो इसके लिए मैं क्या करूँ। तो ये आपके इसी का वो है। यहाँ मैंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र का स्कूल खोल रखा है और देहरादून में, और मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर डॉक्टरों को और वेटरनरी कंपाउंडरों को प्रशिक्षण देता हूँ। और वो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है उसमें लोग बहुत पूछ रहे हैं कि होल्स्टीन का बच्चा जो है आप देसी गाय में रख देंगे तो वो फंस जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं सेक्स ह्यूमन को यूज़ करता हूँ, तो मेरे जो एम्ब्रियोज हैं उसमें फीमेल ही पैदा होगी, और जब फीमेल पैदा होगी तो वो नहीं फंसता है। तो मैंने ये पहले ये बताया था कि बहुत सी जो देसी गायें डोल रही हैं इनमें आप जो है एम्ब्रियो फीमेल रख सकते हैं, और उसमें रख के उनका उपयोग किया जा सकता है। आशा है कि इन सब ये सब वीडियो मैं उसको बनाता हूँ जो मेरे कमेंट्स आते हैं, जो कमेंट्स आए हैं उसी का आंसर है। धन्यवाद, आपने सुना होगा मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे ट्रेनिंग के लिए दो नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करें। अगर मेरा नंबर वो ब्लॉक मिलता है आपको या बात नहीं हो पाती है, तो एक नंबर है 9322582278, और दूसरा नंबर जो है 7979848332। ये नंबर नीचे दिखाए जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने सुना।